हेलो फ्रेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स परिधि। आज अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है बजट के, या ये कहे कंपोनेंट्स क्या होते हैं बजट के। इसमें फ्रेंड्स अपन रिवेन्यू रिसीप्स, टैक्स रिसीप्स, बजट रिसीप ये सब कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर 6 मार्क्स कवर करता है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में। राइट, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, या ये कहे कंपोनेंट्स ऑफ द बजट का मीनिंग क्या होता है, इसमें आता क्या क्या चीज़ है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बजट बेसिकली दो चीज़ में डिवाइडेड होता है ब्रॉडली। फर्स्ट देखिए बजट रिसीप्ट, सेकेंड होता है बजट एक्सपेंडिचर। राइट, बजट रिसीप्स में क्या आता है? बजट रिसीप्स में कौन सी आती है? रिवेन्यू रिसीप्स और कैपिटल रिसीप्ट। अपन सबका मीनिंग देखेंगे, एक बार इसका शॉर्ट में देख लीजिए। बजट रिसीप्स में अपनी आती है रिवेन्यू रिसीप्स और आती है कैपिटल रिसीप्स। इसी की तरीके से बजट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आती है बात के बजट रिसीप्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इट रिफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीप्स ऑफ द गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड मतलब लगभग कितनी मनी मिल जाएगा गवर्नमेंट को फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में सारे सोर्सेज से गवर्नमेंट को कितना लगभग रुपए मिल जाएगा, उसको अपन कहते हैं बजट रिसीप्ट। राइट, अब सारे सोर्सेज कौन से अपन को पता है? दो ही सोर्सेज है, रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। अब आता है रिवेन्यू रिसीप्ट होता क्या है? रिवेन्यू रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है, वो मनी रिसीप्ट होती है गवर्नमेंट की, जो पहली चीज ना तो क्रिएट करती है कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, दूसरी चीज डू नॉट कॉज रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही कोई रिडक्शन करती है गवर्नमेंट की असेट्स में। एग्जाम्पल टैक्स रिसीप्ट। वापस देखिए, रिवेन्यू रिसीप्स का एग्जांपल है टैक्स रिसीप्स। क्यों? क्योंकि टैक्स देखिए कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है कि गवर्नमेंट ले, अपन को हाउस होल्ड को, फर्म्स को, सब लोगों को क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। कंपलसरी पेमेंट है जो अपन सबको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसके बदले में गवर्नमेंट से अपन कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सर्विस वगैरह नहीं करते। सेकेंड चीज, डू नॉट कॉज रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब आप टैक्स गवर्नमेंट को देते हो तो गवर्नमेंट की कोई असेट्स कम होती क्या? नहीं होती, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को कहीं से पैसा आ रहा है तो सिक्योरिटीज वगैरह सेल करके आता है, पर इसमें तो गवर्नमेंट का कोई असेट भी कम नहीं हो रही। सिक्योरिटीज जाती है तो असेट कम हुई ना, इसमें गवर्नमेंट की कोई असेट कम नहीं हो रही, फिर भी पैसा आ रहा है। तो रिवेन्यू रिसीप्ट इन शॉर्ट एग्जाम्पल है उसका टैक्स रिसीप्ट, जो ना तो क्रिएट करती है कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए और ना ही कॉज करती है रिडक्शन गवर्नमेंट के असेट्स में। राइट फ्रेंड्स, अपन देखते हैं रिवेन्यू रिसीप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। अभी अपन ने देखा रिवेन्यू रिसीप्स का मीनिंग कि रिवेन्यू रिसीप्स वो रिसीप्स होती है जो ना तो कोई क्रिएट करती है लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी बात ना ही गवर्नमेंट की असेट्स में कोई कमी लाती है। राइट, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिवेन्यू रिसीप्स के देखिए दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। फर्स्ट है टैक्स रिसीप्स और दूसरी है नॉन टैक्स रिसीप्स। राइट, अब टैक्स रिसीप्स में आता क्या है? टैक्स होता क्या है? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट और फर्म टू गवर्नमेंट। टैक्स एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट होता है जो सबको पे करना पड़ता है जो भी कमा रहा है। राइट, जैसे कि अपना इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म सबको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को विदाउट एनी रेफरेंस इन रिटर्न। मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि भाई हमने टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट हमारे लिए ये करेगी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपन सबको टैक्स पे करना पड़ता है। राइट, कंपल्सरी पेमेंट जो होता है उसे टैक्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ टैक्स कितने होते हैं? बेसिकली तीन तरह के टैक्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, सेकेंड होता है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, और थर्ड आ जाता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, अब प्रोग्रेसिव टैक्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स सिंपल सी चीज है, टैक्स विच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो जैसी इनकम इंक्रीज होती है टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल, 2 से 5 लाख जो बंदा कमा रहा है उसके लिए टैक्स स्लैब बना रखा है, उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर उस बंदे की इनकम बढ़ गई, 5 से 10 लाख जो कमा रहे हैं उसकी इनकम बढ़ गई है तो उसको अब 15% देना पड़ेगा, और ज्यादा इनकम बढ़ेगी तो और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा उसे। राइट, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ग्रेटर बर्डन ऑन पुअर देन रिच। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन ज्यादा पुअर पे पड़ता है, मतलब पुअर के लिए ज्यादा नुकसान वाला होता है अमीर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, एक टैक्स रेट फिक्स कर देती है गवर्नमेंट और वही टैक्स सबको पे करना पड़ता है चाहे कितने भी इनकम हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 10% टैक्स रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी। अब जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 10% उसका कितना हो? 10,000। तो 10,000 वो पे कर दिया गवर्नमेंट को, तब भी उसके पास 90,000 तो बच गए। पर जो बंदा कमाई 5,000 रहा है तो अगर उसने 10% दे दिया, 500 रुपए दे दिए, तो उसके पास बचेगा कितना? 4,500। तो उसके लिए एक तरीके से बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। देखिए, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस में लगाते हैं, किसके ऊपर? वैल्यू एडेड के ऊपर। राइट, अब वैल्यू एडेड क्या होती है? पिछले वाले वीडियोस अगर याद हो तो फार्म और बेकर वाला एग्जांपल वही वाला वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज 800 रुपए की बेची। राइट, 800 रुपए की बेची और आपको खुद को वो घर में पड़ी है 600 रुपए में, ठीक है? तो 200 रुपए की अगर आपने वैल्यू एडेड कर दी, वही उसी वैल्यू एडेड पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, और ये प्रोडक्शन के हर स्टेज पे लगता है। आगे देखिए, स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन कमोडिटी ऑन बेसिस ऑफ यूनिट साइज और वेट। जो टैक्स किसी भी कमोडिटी की साइज पे कि मतलब गुड की किसी भी कमोडिटी अगर गुड की साइज पे, वेट पे या यूनिट के अकॉर्डिंग लगता है उसे अपन कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। लास्ट तरह का टैक्स देखता है वन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स देखिए पेड बाय पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो उसी बंदे को पे करना पड़ता है जिसके ऊपर वो डाला गया है, जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है बट पेड बाय अनदर, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगाए तो किसी और पे गया पर पे किसी और को करना पड़ रहा है। सेकंड देखिए डायरेक्ट टैक्स, इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। थर्ड देखिए जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है जो भी अपन ने देखा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव नेचर का होता है। फोर्थ देखिए डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सारी चीजें। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। फ्रेंड्स अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।